बापों के प्रति असीम श्रद्धा का भाव रखने वाले गुजरात से, महाराष्ट्र से और देश के कोने कोने से आए हुए, तब मैं देख रहा था कि इंग्लैंड से भी काफी लोग यहां पर आए हैं। ऐसे सभी श्रद्धालुजन उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, मैं सर्वप्रथम आप सबको, खास तौर से गुजरात की अपने संत मंडली को इस बात के लिए साधुवाद देता हूं कि इन सब ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करते हुए पिछले विधानसभा चुनाव में विजय भाई रूपाणी और नितिन भाई पटेल पर पूरा विश्वास किया और अपना आशीर्वाद उन्हें दिया है, इसलिए मैं आप सबके प्रति हृदय से साधुवाद देता हूं। जो कि महंत गुलाबनाथ जी बापू मेरे गुरु भाई भी थे और इसलिए आज उनके इस कार्यक्रम में मैं गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और गुजरात के लोकप्रिय नायब उप मुख्यमंत्री दोनों महानुभावों का और आप सभी पूज्य संतों का, भक्तों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा जब यहां के कार्यक्रम की जानकारी मिली और मुझे पता लगा कि गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री जी भी और नायब मुख्यमंत्री जी भी इस कार्यक्रम में भाग लेने आ रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में आप सबकी उपस्थिति को देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज के समय में व्यक्ति सब कुछ दे सकता है लेकिन समय नहीं दे सकता। उसके पास समय की जो व्यस्तता हो गई है उसको देखते हुए इतनी जल्दी यानी 10 बजे के अंदर ही आप सब इतनी विशाल मात्रा में इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के गुलाबनाथ जी बापू को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके प्रति अपनी श्रद्धा और अपनी आस्था को व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुए हैं, मैं सचमुच अपने अंतःकरण से आप सबको हृदय से साधुवाद देता हूं। आप सबको मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। गुजरात ये धर्म की धरती है। आप सब जानते हैं आजादी के तत्काल बाद सौराष्ट्र की धरती पर जब लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आए थे तो उन्होंने सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार का संकल्प लिया था। ये संकल्प देश के अन्य भागों में भी लिया जा सकता था लेकिन ये गुजरात की माटी का प्रभाव है, एक गुजरात का प्रभाव है, ये धर्म की धरती है और धर्म की धरती ने ही जब जब इस राष्ट्र पर संकट आया है तो कभी बापू के नेतृत्व में, कभी लौह पुरुष सरदार पटेल जी के नेतृत्व में अंगड़ाई ली और इस देश को एक नेतृत्व दिया और ये देश आज उसी प्रकार से एक लौह पुरुष के नेतृत्व में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया की ऊंचाइयों पर उठाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसके बारे में कभी हम सपना देखते थे आज सपने साकार होते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए एक महत्वपूर्ण आयोजन है हम सब की दृष्टि से कि सोमनाथ की धरती पर, सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार का संकल्प गुजरात का ही कोई सपूत लेता है और आज देखते ही देखते सोमनाथ के मंदिर ने एक बार पुनः उस मिथक को छुटलाया है। जो लोग ये सोचते थे कि हम भारत की सनातन परंपरा को, संस्कृति को तोड़ करके सदैव के लिए नष्ट कर देंगे, नष्ट करने वाले नष्ट हो गए, लेकिन सोमनाथ का मंदिर आज भी दुनिया और देश दुनिया के अंदर
अपने धर्म की कीर्ति पताका को पहरा करके हम सबके अजेय होने का आशीर्वाद सदैव हमें प्रदान करता रहा है। आज उसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए हम सब आए हैं। मुझे विगत दिनों जब जानकारी मिली, बापू शेरनाथ जी ने मुझे बताया कि मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी जी का कार्यक्रम जूनागढ़ में है, तो मैंने मुख्यमंत्री से इस बात का आग्रह किया था कि भवनाथ तलहटी में जूनागढ़ के पास बापू शेरनाथ जी और उनकी गुरु परंपरा से गोरखधाम आश्रम, गोरखनाथ जी का आश्रम, वहां पर अपना सेवा का कार्यक्रम कई दशकों से करता आ रहा है और अपनी सेवा कार्यों के माध्यम से, निरंतरता के माध्यम से धर्म के इस अभियान को आगे बढ़ा रहा है। और उस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का वहां जाना, सौराष्ट्र और जूनागढ़ के पूज्य संतों के सामने इस बात का संकल्प लेना कि कुंभ जैसा आयोजन जूनागढ़ की धरती पर भी होना चाहिए और कुंभ के माध्यम से हम भारत की सनातन संस्कृति को दुनिया के सामने रखेंगे, क्योंकि दुनिया के अंदर अगर शांति चाहिए, दुनिया के अंदर अगर सौहार्द चाहिए, दुनिया के अंदर अगर सद्भाव चाहिए और दुनिया के अंदर अगर भौतिक विकास की इन कार्यक्रमों को एक निरंतरता और एक स्थायित्व प्रदान करना है, तो हमें कहीं ना कहीं सनातन हिंदू धर्म के एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति के इस भाव को आगे बढ़ाना पड़ेगा कि सत्य एक है, लेकिन उस मंजिल पर पहुंचने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। यह दावा कोई और नहीं कर सकता, ये केवल सनातन हिंदू धर्म का अनुयायी ही कर सकता है कि हम दुनिया के अंदर शांति और सौहार्द की स्थापना करके सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे, सबकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। और सनातन हिंदू धर्म में तो कभी कोई विभेद रहा ही नहीं, गुजरात उसका सशक्त उदाहरण है। आज गुजरात की ही धरती से निकला हुआ एक सपूत देश को एक नारा देता है 2013 में, सबका साथ सबके विकास का। आज आप देख रहे होंगे सबका साथ और सबके विकास का यह नारा कितना सार्थक होता हुआ दिखाई देता है। जब हम अपनी किसी भी योजना में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते, यह देश आजाद 1947 में हो गया था। इस देश के अंदर पहला आम चुनाव 1952 में होता है, लेकिन इस देश के अंदर जाति, मत, मजहब और संप्रदाय के आधार पर बांटने की जो प्रवृत्ति रही है, जिसके कारण देश कमजोर होता रहा है, उस कमजोरी को भांपने, उस कमजोरी से उभारने का कार्य देश की नीतियां, देश के गांव, देश के गरीब, देश के किसान, देश के मजदूर, देश की महिलाओं को ध्यान में रख करके बनेंगी, देश के युवाओं को ध्यान में रख करके बनेंगी। इस भाव को पहचानने का प्रयास अगर किसी ने किया है तो इस गुजरात की धरती से निकले हुए एक सपूत से नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया। पहली बार हो पाया है जब ये कहा गया कि हम लोग एक संकल्प लेंगे और एक पॉलिसी तय करेंगे। कोई भी हो, अगर इस देश का नागरिक है, किसी भी जाति, किसी भी मत, किसी भी मजहब, किसी भी संप्रदाय का निवासी है, अगर वह भारत का वासी है तो उसके सिर को ढकने के लिए छत अवश्य मिलेगी और सरकार इसमें सहयोग करेगी। यह संकल्प किसी ने लिया है? नरेंद्र भाई मोदी जी ने लिया। और आज देखते ही देखते पूरे देश के अंदर हर गरीब को सिर ढकने के लिए छत दिया जा रहा है, हर गरीब के घर में बिजली पहुंचाई जा रही है, हर गरीब के घर में अगर शौचालय नहीं यह उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। उन वनवासी क्षेत्रों में, गिरवासी क्षेत्रों में, मलिन बस्तियों में, दलित बस्तियों में विकास की योजनाओं को पहुंचाने का एक संकल्प लेकर के भारत की महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से भी उन कार्यक्रमों को वहां तक पहुंचाने का जो अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, ये सब उसी संकल्प का हिस्सा है। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर धर्म है क्या? धर्म केवल पूजा पद्धति नहीं हो सकती,
ये एक उपासना विधि का हिस्सा हो सकता है, ये एक संप्रदाय किसी मत किसी मजहब या किसी संप्रदाय का हिस्सा हो सकता है, लेकिन अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो भारत के अंदर धर्म की जो व्यापक व्याख्या हुई है वह हमें हमारे कर्तव्यों को हमें जोड़ती है। अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना, सदाचार के मार्ग का जीवन में अपनाना, जीवन में नैतिक मूल्यों को सर्वोच्च स्थान देना, एक ऐसी व्यवस्था जिस पर हर व्यक्ति और हर समाज का जीवन सुरक्षित हो और वह टिका हुआ हो, वह एक धारणात्मक व्यवस्था ही धर्म है। और उस धर्म की उस अमिट व्यवस्था को इस भारत के अंदर लागू करने का प्रयास वर्तमान में हुआ है अनेक योजनाओं के माध्यम से। कई युवाओं के लिए प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट की योजना बन रही है, स्किल इंडिया के माध्यम से उन्हें जोड़ने का और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने का, स्टार्टअप के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ने का कार्य प्रारंभ हुआ है, अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं के लिए स्टैंडअप के माध्यम से स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए प्रेरणा प्रदान की जा रही है, कहीं पर महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के साथ साथ स्टैंडअप की योजना और तमाम अन्य कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं, तो साथ ही साथ दुनिया के अंदर भारत की संस्कृति का लोहा कैसे मनाया जा सकता है। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, 2019 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद में कुंभ का भव्य आयोजन होने जा रहा है। मैं आप सबको उसका आमंत्रण देने के लिए भी आज इस अवसर का उपयोग कर रहा हूं कि आप सब कुंभ के आयोजन में सभी आमंत्रित हैं। हमारी सरकार को और उत्तर प्रदेश के वासियों को आपका स्वागत करने में आनंद की अनुभूति होगी। लेकिन कुंभ हजारों वर्षों से चला रहा है, लेकिन कुंभ को दुनिया के अंदर यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्रदान करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो गुजरात के सपूत और वर्तमान में भारत माता के सपूत यशस्वी प्रधानमंत्री से नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है। कुंभ के आयोजन को दुनिया ने आज स्वीकार किया कि भारत की अति प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर है, इसको मान्यता मिलनी चाहिए। योग हजारों वर्षों से हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा की एक धरोहर रही है। योग की इस परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिल पाई थी, लोग हमारे योग की परंपरा के बारे में प्रश्न खड़ा करते थे। आज योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता कैसे मिली? 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस होता है और आज योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है तो किसके कारण? श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कारण। इस देश के संतों को अपनी विरासत को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करने के लिए अपना आशीर्वाद देना चाहिए नरेंद्र भाई मोदी जी को, क्योंकि वो भारत माता के सच्चे सपूत हैं। इसलिए भारतीयता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और विश्व क्षितिज पर उठाने के लिए जिस भी स्तर पर प्रयास हो सकता है उस प्रकार के यत्न उनके द्वारा सदैव किए जाते हैं। कोई सोच सकता था? मैंने कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति का भाव केवल भारतीय संस्कृति कर सकती है, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। याद करिए भावनगर की धरती, जब ईरान से निकाले गए पारसी समुदाय के लोगों के लिए कोई धरती नहीं बच पाई थी, वे अपने धर्म गुरु के साथ शरण मांगने के लिए भावनगर के महाराज के पास आए और उस समय जब उनका जहाज समुद्र के तट पर खड़ा होकर के उन्होंने संदेश भेजा कि हम आकर के आपके राज्य में रहना चाहते हैं, सुरक्षा और अपने समृद्धि के लिए अपने भविष्य के लिए रुकना चाहते हैं, तो कहते हैं राजा ने दूध का एक गिलास भेज करके और उनसे इस प्रकार का संदेश दिया कि मेरे राज्य में पूरी जगह बंद, कोई जगह खाली नहीं है, हम आपका स्वागत करते हैं लेकिन आपको हम रखने की व्यवस्था नहीं दे सकते। लेकिन पारसी समुदाय के धर्मगुरु ने उस दूध में मिठास घोल करके और गुलाब का फूल उसके ऊपर रख करके एक सद्भावना का संदेश दिया कि हम यहां पर भारत के अंदर रहेंगे लेकिन आपसी भाईचारे की मिठास को कभी खराब नहीं होने देंगे। और उसके बाद
देश के अंदर पहला पर्शियन समुदाय गुजरात की धरती पर शरण पाता है। यानी सह अस्तित्व का यह भाव भी गुजरात ने दुनिया को दिखाया है, कैसे अलग अलग मत और पंथ के लोग एक साथ रह सकते हैं। यह संदेश देने का कार्य किसी ने किया है, गुजरात की धरती ने किया है। और आप कभी कल्पना कर सकते हैं, दुनिया के अंदर सबसे कट्टर मुस्लिम देश कोई है तो सऊदी अरब है, और सऊदी अरब में भी आपके प्रधानमंत्री जी मंदिर का शिलान्यास करके आते हैं। यानी भारत को दुनिया के क्षितिज पर स्थापित करने के लिए आज भारत दुनिया की एक उभरती हुई सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। क्या हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति नहीं होनी चाहिए? क्या हमारी जाति हमेशा हमारी सुरक्षा कर पाएगी? अगर हम जाति आधार पर नहीं बटे होते, अगर हम मत और संप्रदाय के आधार पर नहीं बटे होते, क्या सोमनाथ का मंदिर कभी टूट पाता? क्या कोई विधर्मी आकर के सोमनाथ के मंदिर की तरफ देखने का दुस्साहस भी कर पाता? अगर टूटा हमारी कमियों से, एकता का अभाव, जातीय खेमों में बटा होना, छुआछूत और अस्पृश्यता के आधार पर बटा होना। और जब तक भारतीय समाज में छुआछूत और अस्पृश्यता रहेगी, हम अपने उज्जवल भविष्य की कामना नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, मैं कर्नाटक में गया था, उडुप्पी में मुझे वहां भगवान कृष्ण का एक मंदिर देखने को मिला। और वहां पर जब मैं मंदिर में गया देखने के लिए, तो मुझे बताया गया कि पहले मंदिर में सामने से दर्शन होता था। सामान्य लोग सामने से भगवान का दर्शन करते थे, और दलितों को, वंचितों को दूसरी तरफ से एक छोटी सी खिड़की थी, वहां से भगवान का दर्शन करने के लिए कहा जाता था। लेकिन भगवान का एक परम सेवक था, हरिजन था, दलित जाति से था, वह चोरी छिपे सामने से भी भगवान का दर्शन कर लेता था। एक दिन मंदिर के पुरोहित ने उसे देख लिया और देखते ही डांट दिया, कहा कि तुम्हारे लिए सामने से दर्शन करने के लिए छूट नहीं है, तुम्हारे लिए उधर से दर्शन करना है। वो रोने लग गया। उसने कहा, नहीं, मैं तो यहीं से भगवान का दर्शन करता हूं और मुझे यहीं से आत्मिक संतुष्टि होती है। जबरदस्ती उस पुरोहित ने उसको धकेला, कहा, नहीं, तुम यहां से नहीं दर्शन कर सकते। आप आश्चर्य करेंगे, वह हरिजन भगवान का जो परम भक्त था, वो जिस छोटी सी खिड़की से दर्शन करता था, भगवान ने उधर ही मुंह कर दिया और उधर ही मुंह कर दिया। आज भी आप जाइए उडुप्पी में, वहां पर भगवान का मंदिर उसी रूप में आज भी अपने भक्त को दर्शन दे रहा है। और आज भी सभी लोगों को उसी खिड़की से जहां पहले हरिजन दर्शन करते थे, वहीं से दर्शन करने के लिए वहीं से दर्शन करना पड़ता भगवान को, क्योंकि भगवान का विग्रह देखना है तो वहीं से दर्शन हो पाते हैं। ये छुआछूत और अस्पृश्यता कब तक चलेगी? हम इस भेदभाव को समाप्त करें। हमारे पूज्य धर्माचार्यों को इसका संकल्प लेना चाहिए कि छुआछूत और अस्पृश्यता भारतीय समाज का हिस्सा नहीं हो सकता है, और अगर इसका हिस्सा होगा तो फिर हम सबको अपने ऊपर उन हमलों को होने के लिए भी फिर हम कुछ नहीं बोल सकते, जिसके लिए भारत विरोधी तत्व हमेशा हमें कटघरे में खड़ा करते हैं। हमें संकल्प लेना होगा, कभी भी ये हमारे भावना का हिस्सा नहीं रहा, भारत का प्रतिनिधित्व तो इस प्रकार के विचार कभी नहीं करते रहे। अगर भारत के अंदर किसी भी परंपरा को आप देखें, आदि शंकराचार्य की परंपरा को आप देखें, आदि शंकराचार्य को काशी में भगवान विश्वनाथ ने चंडाल के रूप में दर्शन दिए थे। मध्यकालीन संत रामानंद जी के बारे में आप जानते हैं, उन्होंने तो एक इसके बारे में इस बात को ही कह दिया कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यह भाव उन्होंने दे करके सबको अपना शिष्य बनाया, रविदास को भी बनाया, कबीर को भी बनाया, और तमाम अन्य मध्यकालीन परंपरा में ऐसे ऐसे शिष्य उन्होंने दिए। वे भले किसी जाति में पैदा हुए होंगे, लेकिन उन्होंने समाज का, उस मध्यकालीन समय में जब इस देश पर हमले हो रहे थे, धर्म और संस्कृति जब खतरे में थी,
तब उन्होंने ऐसा मार्गदर्शन किया कि समाज में एक नई जीवनी, एक नई संजीवनी पैदा हो गई। तो जब छुआछूत और अस्पृश्यता को भगवान ने नहीं माना, भगवान राम ने नहीं माना, उन्होंने सबरी हरिजन के जूठे बेर खाए थे, उन्होंने वनवासियों को गिरवासियों को गले से लगाया था, भगवान कृष्ण ने नहीं माना, भगवान शंकर ने कभी नहीं माना, भारत के अंदर चली आ रही किसी भी परंपरा ने इसको कभी स्वीकारता नहीं दी, कभी कोई अनुमति नहीं दी, जातिवाद के लिए समाज में कभी कोई जगह नहीं रही, और जब भी जाति आधार पर इस समाज मटा रहा तो किसी सोमनाथ के मंदिर पर हमला हुआ, किसी राम जन्मभूमि पर हमला हुआ, किसी काशी विश्वनाथ के मंदिर पर हमला हुआ, किसी मथुरा में भगवान कृष्ण के मंदिर पर हमला हुआ, कब तक हम ये हमले सहते रहेंगे? इसलिए जातीयता को तिलांजलि दीजिए। हमारा सबसे बड़ा धर्म है राष्ट्र धर्म, ये राष्ट्र धर्म हमारा रहेगा, हमारा राष्ट्र रहेगा, हमारी उपासना विधि, हमारा मजहब, हमारा संप्रदाय, हमारा पंथ, सब कुछ रहेगा, और उस भाव को एक नई जीवंतता देने की आवश्यकता है, और इसके लिए मैं पूज्य संतों का आह्वान करूंगा, एक बार पुनः निकल पड़िए आदि शंकराचार्य बनकर के, एक बार पुनः निकल पड़िए जगतगुरु रामानंदाचार्य बनकर के, एक बार पुनः निकल पड़िए जगतगुरु रामानुजाचार्य बनकर के, एक बार पुनः निकल पड़िए नाथ संप्रदाय के महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी से लेकर के, और आधुनिक उन पूज्य संतों का जिन्होंने जातिवाद के खिलाफ, जिन्होंने छुआछूत और स्पृश्यता के खिलाफ एक अभियान चलाया था, उन सब संतों की प्रेरणा को लेकर के एक नए अभियान को शुरुआत किए जाने की आवश्यकता है। गांव गांव में जाएं, एक एक घर को अपने पद चरणों से कृतार्थ करें और एक एक को जोड़ें। संतों का काम ही है जोड़ना, आप जोड़िए समझा समाज को, बांटने वाली ताकतें बांट रही हैं, कोई जाति के नाम पर बांट रहा है, कोई छुआछूत और अस्पृश्यता के आधार पर बांट रहा है, और इसमें वे तत्व जो भारत का हित नहीं देखना चाहते, भारत को बांटना चाहते हैं, भारत का विभाजन करना चाहते हैं, वे निरंतर इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं कि भारत कमजोर कैसे हो। और जब भारत अगर कमजोर होगा तो मैं पूज्य संतों से कहना चाहता हूं कि आप मजबूत नहीं हो सकते, भारत अगर मजबूत होगा तो आप भी मजबूत होंगे, भारत कमजोर होगा तो फिर भारत को कमजोर होने पर कोई ये गलत उसमें है कि मैं मजबूत हो जाऊंगा, इसकी गलत फहमी हो सकती है, उसका दिवा स्वप्न हो सकता है, ये वास्तविकता नहीं है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के सम्मेलनों का उपयोग गांव गांव में, गुजरात के अंदर तो अलग अलग संतों की भजन मंडलियां हैं, ये जाएं एक बार पुनः चैतन्य महाप्रभु बनकर के, रसकान बनकर के, अलग अलग प्रवृत्ति के साथ इन्हें गांव गांव में एक नई जीवंतता प्रदान करनी चाहिए। कितना अच्छा कार्य गुजरात के अंदर हो रहा है, कितना विकास का कार्यक्रम हो रहा है, एक एक कार्य को जोड़ने के साथ साथ धर्म के कार्य में साक्षात मुख्यमंत्री आपके कार्यक्रम में आते हैं, नायब मुख्यमंत्री आपके कार्यक्रम में आते हैं, आयोजनों में जाकर के हर प्रकार का सहयोग करते हैं, समर्थन करते हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं, वहां पर संतों के साथ, वहां पर सामान्य नागरिकों के साथ क्या बीतती है। उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले की स्थिति क्या थी, हर सप्ताह दो बड़े दंगे होते थे, दंगों में संत भी अपमानित होता था, भक्त भी अपमानित होता था, धर्मस्थल भी अपवित्र होते थे, गौ कसी भी होती थी, हर कुछ सब कुछ अपमानजनक कार्य होता था, और अगर आप शिकायत करने के लिए जाते थे तो जेल में ठूंस दिए जाते थे, कोई आवाज आपकी नहीं होती थी। आज तो उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हो रहे हैं, आज तो उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं कर सकता, आज तो कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता, आज तो कोई अपमानित नहीं कर सकता, आज तो वहां पर हम लोग उसी तर्ज पर जैसे गुजरात ने विकास के साथ साथ धर्म के सभी बिना भेदभाव के सभी लोगों को जोड़ने का कार्य किया है, कोई भेदभाव नहीं, ये तभी संभव हो पाया है जब भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार सोचने वाली सरकारें जब भारत के अंदर आती हैं, तभी ये संभव हो पाता है। और इसलिए हमें विभाजन से नहीं, एकता के माध्यम से भारत को सशक्त बनाने के और प्रधानमंत्री जी के सबका साथ और सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाना होगा।
उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए ही आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे अनुरोध करने के लिए। कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो वर्णे महापुरुष हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उन्होंने आदि शंकराचार्य की एक जीवनी लिखी और जीवनी में एक बात उन्होंने कही कि आदि शंकराचार्य एक बार भिक्षाटन करते हुए कहीं निकले। उन्होंने एक घर में एक बड़ी सी कोठी थी, बड़ा सा बंगला था, उसके सामने जाकर के भिक्षा के लिए आवाज लगाई। आवाज लगाते ही जैसे आवाज लगाई अंदर से भिक्षा लेकर के घर की मालकिन सामने आती है, लेकिन कहते हैं आदि शंकराचार्य जी की नजर उसी समय उस बड़ी सी कोठी के सामने पड़ी हुई एक झोपड़ी में पड़ी। वहां एक व्यक्ति करा रहा है, तो जैसे घर की मालकिन भिक्षा लेकर के आदि शंकराचार्य का आह्वान करती है कि गुरुदेव भिक्षा ग्रहण करें, तो आदि शंकराचार्य के ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपका भिक्षा नहीं ले सकता। आश्चर्यचकित थी कि कैसा सन्यासी है, कैसा भिक्षुक है, भिक्षा के लिए आह्वान करता है लेकिन भिक्षा लेने से अपने आप को पीछे भी करता। उन्होंने कहा क्या कारण है, तो शंकराचार्य जी ने कहा एक तरफ देखो आप इस आलीशान कोठी में रहते हैं लेकिन आपके बगल में दीनहीन हालत में एक व्यक्ति पड़ा रह करके करा रहा है, आपको कैसे नींद आ जाती है, कहां आपकी संवेदना चली गई है, और अगर आपकी संवेदनहीन भिक्षा को मैं लूंगा तो मेरी भी संवेदना मर जाएगी, मेरी भी साधना मर जाएगी, मैं आपकी भिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकता हूं। यह है भारत के संतों की परंपरा। भारत के अंदर आप किसी भी परंपरा को देखिए, दुनिया के अंदर भगवान बुद्ध की शिक्षाएं क्यों पहुंची, शांति करुणा और मैत्री के माध्यम से। अयोध्या की परंपरा क्यों समृद्ध हुई, क्योंकि अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ ही। हमारी जैन परंपरा के तीर्थंकरों की धरती भी अयोध्या है। जड़ भरत से चली हुई ये परंपरा ऋषभदेव से बढ़ती हुई आगे चली है और भगवान महावीर तक ये परंपरा पूरे देश और दुनिया के अंदर जिस प्रकार का संदेश दी है वह दुनिया को अभिभूत करने वाली है, आकर्षित करने वाली है। इन परंपराओं के प्रति हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, एक सम्मान का भाव होना चाहिए, परस्पर सद्भाव के साथ आगे बढ़ने की एक नई परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं आज इस अवसर पर इसलिए भी आया हूं, मुझे लगता है आप में सभी जितने भी यहां पर संतगण और भक्तगण आए हैं वे सभी जानते होंगे कि महंत गुलाबनाथ जी बापू मेरे गुरु भाई हैं, मेरे गुरु भाई थे। और आपको यह भी मालूम होगा कि संन्यास लेने के पहले उनका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था। मुस्लिम परिवार में जन्म होने के बाद उन्होंने नाथ संप्रदाय में महंत बालकनाथ जी से योग की दीक्षा ली। नाथ संप्रदाय में दीक्षा के जो अलग अलग चरण हैं उसमें उन्होंने अंतिम दीक्षा मेरे पूज्य गुरुदेव गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैद्यनाथ जी महाराज से ली थी। मैंने देखा कहीं भी कभी भी कोई कह नहीं सकता था बापू गुलाबनाथ जी के बारे में, महंत गुलाबनाथ जी बापू के बारे में कितना अच्छा भजन गाते थे, क्या भाव था, भारत की सनातन परंपरा के प्रति कितना उनके मन में उत्कट इच्छा थी। मेरे पूज्य गुरुदेव जब गुजरात आते थे तो यहां पर कुछ प्रमुख संतों में से जिनको वे साथ लेकर के गुजरात में आते थे रहते थे, उसमें बापू त्रिलोकनाथ जी थे, बापू गीतानाथ जी थे, बापू गुलाबनाथ जी थे। इनको लेकर के पूरे गुजरात में फिर भ्रमण करते थे। कहीं नहीं लगता था, मुझे लगता